नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 68वीं बीपीएससी परीक्षा में आयोग का नया प्रयोग। धनतेरस पर बिहार में धनवर्षा। नीतीश कुमार को कोर्ट से मिला एक और झटका। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत के पाकिस्तान दौरे पर रोहित शर्मा ने दिया जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश सूखाग्रस्त प्रभावितों को देंगे सहायता राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य के 11 जिलों के सूखाग्रस्त प्रभावितों के बीच सहायता राशि का वितरण करेंगे। बता दें कि इन 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम और इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोला और बांसवाटों के सभी प्रभावितों को नीतीश कुमार की ओर से 3500 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री आवास के संकल्प में इस कार्यक्रम का आयोजन आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त वाणिज्य कर और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री कुमार सरबजीत और आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम भी मौजूद होंगे। 68वीं बीपीएससी परीक्षा में आयोग का नया प्रयोग। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में नया प्रयोग किया जा रहा है। बता दें कि आयोग ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर छात्रों की राय जानने का निर्णय लिया है। छात्रों से मिले फीडबैक के बाद आम सहमति के आधार पर परीक्षा का पैटर्न निर्धारित किया जाएगा। बताते चले कि बीते शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 68वीं परीक्षा के लिए आवेदन माह के अंतिम में लिया जाएगा, जनवरी में परीक्षा नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा में मार्किंग का स्केलिंग कैसा किया जाएगा, इस पर भी छात्रों से उनकी राय ली जाएगी। बता दें कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रश्नों में दिए गए ई विकल्प को हटाने की मांग की है। फर्जी इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार। कैमूर के सदर अस्पताल भभुआ के प्रांगण में एएनएम कॉलेज की जांच करने सासाराम से आए इनकम टैक्स के सीनियर इंस्पेक्टर को कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अब फर्जी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर एएनएम कॉलेज की जांच करने आया था। इसके साथ ही इसने 2 दिन पहले इस कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करके एडीएम बनकर धमकाया भी था। गिरफ्तार युवक रोहतास जिले के सासाराम का ओम कुमार बताया जा रहा है। मामले को लेकर कैमूर डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल ने बताया कि एक युवक अपने आप को इनकम टैक्स का सीनियर इंस्पेक्टर बताकर एएनएम कॉलेज भभुआ की जांच करने पहुंचा था। गार्ड ने जब मुझे इसकी सूचना दी तो मैं वहां पहुंच गया और शक के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। नीतीश कुमार को कोर्ट से मिला एक और झटका। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने निकाय कर्मियों के चयन, नियुक्ति, ट्रांसफर करने की शक्तियों राज्य सरकार के अधीन करने वाले कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है, जिसके बाद ग्रुप डी और ग्रुप सी के तहत होने वाली नियुक्तियों में राज्य सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला बीते दिन शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के द्वारा लिया गया है। इस फैसले के बाद अब नगर निकाय ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मियों का चयन, नियुक्ति, ट्रांसफर के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई खुद कर सकते हैं। धनतेरस पर बिहार में धनवर्षा। धनतेरस के अवसर पर बिहार के औद्योगिक विकास के लिए 866 करोड़ निवेश का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि बियाडा के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 9 औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन क्षेत्रों में 12 इकाइयों को अनुमति दी गई है। यह जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेक्टर के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण व सेक्टर में निवेश को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 257 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से बिहार के बेरोजगार को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेनें। त्योहार को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से यूपी बिहार जाने वालों के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई है। बता दें कि उत्तर रेलवे ने पटना और लखनऊ के लिए एक और विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली पटना जाने वाली ट्रेन 23 अक्टूबर को सुबह 8:10 बजे खुलेगी और आधी रात 12:45 में पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना नई दिल्ली ट्रेन 25 अक्टूबर को पटना से 8:10 में खुलेगी और आधी रात के बाद 12 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों में रुकेगी, जिनमें गाजियाबाद जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा व दानापुर स्टेशन शामिल है। पटना में अधिक क्षमता वाले पटाखे जलाने पर रोक। बिहार की राजधानी पटना में अधिक क्षमता वाले
पटाखों को जलाने पर रोक लगा दी गई है। अब शहर में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने की इजाजत दी गई है। इन पटाखों को भी जलाने के लिए समय सीमा तय किया गया है जो कि रात 10 बजे तक ही है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है जो इस वर्ष भी पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। दिवाली में होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए अलग अलग टीम को गठित किया गया है जो ध्वनि की तीव्रता और पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा को रिकॉर्ड करेगी और अगले दिन आंकड़े जारी किए जाएंगे। पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर नजर रखने और कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। बोध गया आएंगे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। दिसंबर में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बिहार के गया जिले में बौद्ध गया में कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे। इस दौरान दलाई लामा एक सप्ताह तक अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इनके आगमन को देखते हुए 1000 से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही बाहर से भी ऑफिसर की तैनाती रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में बोध गया में आतंकियों के द्वारा बम ब्लास्ट किया गया था। वहीं साल 2013 में भी महाबोधि मंदिर के परिसर में विस्फोट किया गया था। इन आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा परिसर के द्वारा पूरी चौकस व्यवस्था की गई है। विजय सिन्हा का सीएम नीतीश पर प्रहार। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में काफी अंतर है। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया कि क्या वो गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता के लिए वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनका समर्थन कर रही है जो बिहार के मुख्यमंत्री के मिशन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो झारखंड के गिरिडीह के माध्यम से बिहार में शराब भिजवाते हैं। इन चीजों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी शराब माफियाओं के साथ है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस मामले को लेकर चुनाव आयोग कर शिकायत करेगी। भाजपा के लिए जीतन राम मांझी का उमड़ा प्रेम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मन में बीजेपी के लिए प्यार उभर आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि राजनीति में दो और दो को मिलकर चार भी होते हैं और छह भी। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर कोई अलग कदम उठाते हैं तो वो इसका स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल इस तरह के कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार अपने बीजेपी के साथ हरिवंश के सहारे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। नीतीश कुमार पर एक बार फिर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है और कहा है कि वह बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अगर नीतीश कुमार का बीजेपी या एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो वो अपने सांसद को राज्यसभा का पद छोड़ने के लिए कहें। उन्होंने कहा है कि आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो सकते। उन्होंने भाजपा में जाने का अपना एक रास्ता खोल रखा है। वे हरिवंश जी के जरिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है। पहले चरण में चयनित 75,246 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते चल रहे हैं। आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने 7-8 साल के भीतर 10वें नंबर से 5वें नंबर पर छलांग लगाई है। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने देश के युवाओं के समिति को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। साल 2014 में देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे लेकिन आज 80,000 से अधिक हैं। भारत के पाकिस्तान दौरे पर रोहित शर्मा ने दिया जवाब। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इस मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे अनुसार हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और हम इस पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें इस बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। इस बारे में BCCI निर्णय लेगा। इस वक्त हम सभी सिर्फ वर्ल्ड कप मैच के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है लेकिन BCCI सचिव जयसा ने यह पहले ही कह दिया है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट।
बिहार में शनिवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल के दामों को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम में 28 पैसे की कमी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 108.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.36 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के दाम में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, सारण जिलों में आज शनिवार को डीजल पेट्रोल महंगा बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, मोहम्मद शहजाद, कुलदीप कुमार, नुनू कुमार, रंजीत मिश्रा, नवनीत कुमार, पवन सिंह, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, शैलेंद्र विश्वास, राकेश महतो, शंकर मुखिया, सिफोन कुमार, कविता कुमारी, लक्ष्मी, विनोद कुमार यादव। अब बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, धनतेरस में आप सभी ने किन चीजों की खरीदारी की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।